हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा इजी निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। स्वेटर, कार्डिगन, लेडी जैकेट, कैप, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 6 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 6 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 3 एडजस्ट करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 3। ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होता है। इसमें मैंने 6 मल्टीपल करके 12 प्लस 3 कर लिया है, टोटल 15 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब इस एक फंदे में 3 बार यार्न ओवर करना है, इस तरह से 1 2 3। एक फंदे में से 3 बार यार्न ओवर करना है, फिर बीच में 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदों में 3 बार यार्न ओवर करना है, इस तरह से 1 2 3। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदों में 3 बार यार्न ओवर किया, बीच में 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदों में 3 बार यार्न ओवर किया। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस एक फंदों में 3 बार यार्न ओवर करना है, 1 2 3, फिर बीच में 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदों में 3 बार यार्न ओवर करना है, 1 2 3। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए। जो हमने एक फंदे में 3 बार यार्न ओवर किया फंदा को इस तरह से खोलेंगे, फिर धागा को आगे रखना है, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर इस फंदा को भी खोलेंगे इस तरह से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए। अब इस फंदा को इस तरह से खोलेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर अब इस फंदा को भी इस तरह से खोलेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ स्टिपल पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस फंदा को यहाँ पर भी स्लिप करना है, पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब इस फंदा को भी स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है।
आप फोर रो, फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ स्लिपर पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब इस स्लिप वाला फंदा को यहाँ पीछे ले जाना है और पीछे वाला स्लिप वाला फंदा को आगे लाना है। इस तरह से इस फंदा को ऐसे ड्रॉप करना है। अब इस तीन फंदा को राइट नीडल पे लेना है, एक दो तीन। अब इस स्लिप वाला फंदा को ऐसे ड्रॉप करना है। अब इस आगे वाला का स्लिप वाला फंदा को यहाँ लेफ्ट नीडल पे लेना है। अब इस तीन फंदा को फिर वापस लेफ्ट नीडल पे लेना है, एक दो तीन। ये पीछे वाला स्लिप वाला फंदा को अब आगे लाना है इस तरह से। अब इस पांच फंदा को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस फंदा को इसे ड्रॉप करना है। अब इस तीन फंदा को फिर राइट नीडल पर लेना है, एक दो तीन। अब इस फंदा को फिर ड्रॉप करना है इस तरह से। अब इस आगे वाला फंदा को यहाँ पीछे ले जाना है। अब इस तीन फंदा को फिर लेफ्ट नीडल पर लेना है, एक दो तीन। अब इस पीछे वाला फंदा को आगे ले जाना है इस तरह से। अब इस पांच फंदा को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो, सिक्स रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जो सिक्स रोज का है, इन्हीं सिक्स रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो सिक्स तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।